परिधि को जब काव्या के जरिए ये न्यूज मिली कि सत्येन ने भारती और सिकंदर के रिश्ते के बारे में सोशल मीडिया पे डाल दिया है तो वो चौंक गई थी और वो समझ गई थी कि हो सकता है कि इससे सत्येन की जान को खतरा हो और इसीलिए वो सत्येन से मिलने के लिए हॉस्पिटल से बाहर निकल गई। अभी वो हॉस्पिटल से बाहर निकली ही थी कि तभी उसको सामने एक गाड़ी खड़ी दिखाई दी और उसमें बैठे आदमी को देखकर वो चौंक गई। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि प्रताप रॉय था। ये यहाँ क्या कर रहा है? इतना कहने के बाद परिधि सीधा उस गाड़ी की तरफ चली गई। प्रताप इस वक्त प्रणव बनकर उसे मिलने आया हुआ था। तुम ठीक हो प्रणव? परिधि ने गाड़ी के पास पहुंचते हुए कहा और फिर प्रताप गाड़ी में से उतर आया। उसके पैर में चोट लगी हुई थी जिसकी वजह से उसने एक हाथ में छड़ी पकड़ रखी थी। प्रणव को देखते ही परिधि की आंखों के सामने एक्सीडेंट के एक एक सीन गुजरते चले गए। हाँ, अब थोड़ा थोड़ा आराम है, प्रताप ने जवाब दिया। परिधि कुछ देर तक प्रताप को देखती रही और उसके बाद वह अचानक से प्रताप के गले लग गई। परिधि के अचानक से गले लगने की वजह से प्रताप थोड़ा सा सकपका गया। मुझे माफ कर दो प्रणव, तुम्हारी ये हालत मेरी वजह से हुई है। तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ, मुझे माफ कर दो। इतना कहने के बाद परिधि की आंखों से आंसू निकल आए। जब उसका और प्रताप का एक्सीडेंट हुआ था तो प्रताप की जो हालत हुई थी उसे देखकर परिधि को एक बार ऐसा लगा कि उसने उसे खो दिया था। लेकिन आज प्रणव को अपने पैरों पर खड़ा देखकर उसके दिल में थोड़ा सुकून पैदा हो गया था। मैं ठीक हूँ परिधि, और वो बस एक्सीडेंट था, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, प्रताप ने परिधि से कहा। तभी परिधि की निगाह उसकी गाड़ी के ऊपर चली गई, क्योंकि प्रताप एक टैक्सी ड्राइवर था और वो जिस गाड़ी में आया था वो काफी महंगी थी, तो परिधि को ये थोड़ा अजीब सा लगा। ऊपर से एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में रवि को देखकर भी उसे थोड़ा शक हुआ था कि प्रणव शायद उससे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। ये कार किसकी है प्रणव? परिधि ने पूछा। मेनन सर की है, प्रताप ने जवाब दिया और परिधि ने फिर कुछ नहीं कहा। प्रताप को किसी भी तरह से परिधि से शादी की बात करनी थी और वो इस बारे में सोच कर आया था कि वो आज किसी भी तरह परिधि को शादी के लिए मना लेगा। चूंकि उसे परिधि के पास्ट के बारे में पहले ही पता चल चुका था तो अब वो परिधि को उसके पास्ट के साथ कबूल करने के लिए तैयार था। लेकिन वो इस बात को भी जानता था कि परिधि उससे शादी के लिए इतनी जल्दी हाँ नहीं बोलेगी, इसीलिए उसे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। परिधि, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, प्रताप ने थोड़ा कांपती आवाज में कहा और उसका शरीर भी थोड़ा सा हिल गया था, जिसकी वजह से परिधि को ऐसा एहसास हुआ कि शायद प्रताप की तबीयत अभी भी उतनी ठीक नहीं थी। इसीलिए उसने हॉस्पिटल के बाहर ही बने बेंच के पास उसे अपने कंधे का सहारा देकर बिठा दिया। खुद को परिधि के इतना क्लोज पाकर प्रताप को बहुत अच्छा लग रहा था। वो एक पल के लिए अपना दुख तकलीफ सब भूल गया था। अब बताओ क्या कहना है तुम्हें, परिधि ने पूछा। कहना नहीं, पूछना है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो परिधि, प्रताप ने बात बदलते हुए कहा। वो परिधि से शादी की बात तो करने जा रहा था लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। कितना गजब का इत्तेफाक था ना कि अपने सामने अच्छे अच्छों की बोलती बंद कराने वाले प्रताप रॉय की आज परिधि के सामने जुबान ही नहीं खुल रही थी। ये इश्क का फितूर था या फिर प्रताप के मन में परिधि को खोने का डर, ये तो सिर्फ प्रताप रॉय ही बता सकता था। अरे सॉरी, मैं तुमसे बताना भूली गई, अंदर रेहान का ऑपरेशन हो रहा है, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है, परिधि ने प्रताप को जवाब दिया और उसके बाद फिर प्रताप के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोली। थैंक यू वेरी मच प्रणव, ये सब तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ है, वरना मैं तो ये होप खो ही चुकी थी कि मैं कभी रेहान को ठीक भी करा पाऊंगी। परिधि के इतना कहने पर प्रताप मनी मन खुश हो गया। आज उसे परिधि की आंखों में खुद के लिए वही प्यार दिखाई दे रहा था। इधर प्रताप और परिधि आपस में बातें कर रहे थे और उधर दूसरी तरफ मेनन, रवि और विकी के साथ दूर एक कार में बैठा उन्हें देख रहा था। और प्रताप को किसी लड़की के लिए इतना पागल होते हुए देखकर उसे बिल्कुल भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसे कभी भी यकीन नहीं था कि वो अपनी आंखों के सामने ऐसा नजारा भी देख सकता है। विकी और रवि जो मेनन के पास बैठे हुए थे उन्हें भी बड़ा अजीब महसूस हुआ। ये मेनन सर को क्या हो गया है,
ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे परिधि मैडम इनकी बेटी हो और ये उन्हें विदा करने जा रहे हैं। विकी ने फुसफुसाते हुए रवि से कहा और रवि की भी यह सुनकर हंसी छूट गई। लेकिन वो जानता था कि अगर मेनन को पता चल गया कि वो दोनों उसका मजाक उड़ा रहे हैं तो वो उनको यहाँ से पैदल ही दौड़ाएगा। इसीलिए उसने अपने मुंह पर उंगली रखकर विकी को चुप रहने का इशारा कर दिया। तो तुम बाहर क्यों टहल रही थी? प्रताप ने परिधि से सवाल किया। मैं पापा से मिलने जा रही थी, उन्होंने बहुत बड़ा कांड कर दिया है, परिधि ने जवाब दिया और सत्येन के सोशल मीडिया वाली पोस्ट के बारे में प्रताप को बता दिया। हालांकि प्रताप को इसके बारे में पहले से ही पता था, लेकिन वो ऐसे नाटक करने लगा जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। फिर तो अंकल की जान को खतरा हो सकता है, प्रताप ने कहा। हाँ, और इसीलिए मैं उन्हें सिक्योर करने जा रही हूँ, परिधि ने जवाब दिया। हालांकि सत्येन को परिधि की सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने ये अंदाज पहले ही लगा लिया था कि उसके इस कदम के बाद सिकंदर उसका दुश्मन बन जाएगा, इसलिए उसने पहले से ही इसका इंतजाम कर रखा था। अच्छा, प्रताप ने कहा। वो किसी भी तरह परिधि से शादी की बात करना चाह रहा था, लेकिन उसे अभी भी वो पॉइंट नहीं मिल पाया था जिससे वो परिधि से इस बात की शुरुआत कर सके। एक तरफ जहां प्रताप और परिधि बैठकर आपस में बातें कर रहे थे, तो दूसरी तरफ प्रताप के हाथों कुछ घंटे पहले थप्पड़ खाकर गया उसका चचेरा भाई विश्वजीत रॉय एक कमरे में टहल रहा था। उसकी आंखें गुस्से में लाल दिखाई दे रही थी और उसके आदमी सहमे हुए वहीं खड़े हुए थे। उस प्रताप ने मेरे ऊपर हाथ उठाकर अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है, अब मैं उसे बताऊंगा कि विश्वजीत क्या चीज है, विश्वजीत ने अपने आप से बुदबुदाते हुए कहा। आप बोलो तो मैं उसके ऊपर फायरिंग करवा दूं बॉस, कुत्ते की मौत मार देंगे उस लंगड़े को, उसके एक आदमी ने आगे बढ़कर कहा। और उसके इतना कहते ही विश्वजीत रॉय रुक गया और उस आदमी के सामने जाकर खड़ा हो गया। कुछ सेकंड्स तक विश्वजीत रॉय ने उस आदमी का चेहरा देखा और उसके बाद फिर एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। क्या हुआ बॉस, आपने मुझे मारा क्यों? उस आदमी ने सकपका कर कहा। तेरा दिमाग घुटने में है क्या बे? प्रताप रॉय को दादाजी का सपोर्ट है, अगर हम उसे मारने की कोशिश करेंगे तो हमारी डेड बॉडी के बारे में भी किसी को पता नहीं चलेगा, विश्वजीत रॉय ने कहा। हालांकि उसका भी मन प्रताप को मार देने का ही हो रहा था, लेकिन वो जानता था कि इसके बाद पूरा डार्क नाइट ग्रुप उसके पीछे पड़ जाएगा। फिर हम क्या कर सकते हैं बॉस? उस आदमी ने विश्वजीत रॉय से सवाल किया। हमें उसकी किसी कमजोरी का पता लगाना होगा और उसके बाद फिर उसकी उसी कमजोरी का फायदा उठाना होगा। अगर हमें प्रताप रॉय को हराना है तो हमें दिल से नहीं दिमाग से सोचना होगा, विश्वजीत रॉय ने कहा और फिर किसी सोच में डूब गया। एक तरफ जहां प्रताप रॉय और परिधि आपस में बातें कर रहे थे, दूसरी तरफ विश्वजीत उसे मारने की प्लानिंग कर रहा था, तो तीसरी तरफ सिंघानिया परिवार में हंगामा मचा हुआ था। तो क्या तुम तारुषी को अपनी बेटी मानने जा रहे हो सिकंदर? मिसेस सिंघानिया ने दांत पीसते हुए सवाल किया। उसमें मानने जैसा कुछ नहीं है, तारुषी मेरी ही बेटी है, अगर मैंने मना भी कर दिया तो डीएनए रिपोर्ट में सबके सामने आ जाएगा, सिकंदर ने अपनी बीवी से कहा। और उसकी बीवी ये सुनकर गुस्से से लाल हो गई। तुमने उस भारती के लिए मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, इतना कहने के बाद वो पैर पटकते हुए वहां से चली गई। सिकंदर की लाइफ बहुत अच्छे से गुजर रही थी, वो समय देखकर तारुषी को लीगली अडॉप्ट करने वाला था, जिसके बाद उसकी इमेज और अच्छी हो जाने वाली थी। लेकिन पहले परिधि और फिर सत्येन ने उसकी लाइफ में इतना बड़ा हंगामा मचा दिया था। तुम मुझे चाहे बाद में माफ ही कर दो, लेकिन मैं उस परिधि और सत्येन को तो छोड़ने वाला नहीं, इन्होंने मेरी लाइफ को जितना हेल्प किया है उससे ज्यादा इनकी लाइफ हेल ना कर दूं तो मेरा नाम भी सिकंदर सिंघानिया नहीं, इतना कहने के बाद सिकंदर सिंघानिया ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी आंखों में परिधि के लिए नफरत साफ साफ दिखाई दे रही थी। एक तरफ विश्वजीत प्रताप को मारने का प्लान कर रहा था, दूसरी तरफ सिकंदर परिधि को मारने का प्लान कर रहा था, और इससे अनजान वो दोनों आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। तो बताया नहीं प्रणव कि तुम उससे क्या कहने वाले थे, परिधि ने सवाल किया। उसके इस सवाल ने
प्रताप को शादी की बात छेड़ने का पॉइंट दे दिया। परिधि, मैं जानता हूँ कि इतना सब होने के बाद भी मेरा तुमसे कहना थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन फिर भी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्रताप ने आखिरकार अपने दिल की बात फिर से उसके सामने रख दी और परिधि ये सुनते ही बुरी तरह से चौंक गई। उसे इस बात का जरा भी यकीन नहीं था कि ब्रेकअप होने के बाद भी प्रताप उसके सामने शादी करने का प्रपोजल रखेगा। ये क्या कह रहे हो प्रणव, मैंने तुमसे पहले ही बता दिया है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ, परिधि ने बहुत आराम से जवाब दिया। क्यों, क्या तुम किसी और से प्यार करती हो परिधि, प्रताप ने कहा। वो परिधि के सामने खुद उसका पास नहीं लाना चाहता था। नहीं, मैं किसी से प्यार व्यार नहीं करती प्रणव, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मेरी सिचुएशन समझो प्रणव, परिधि ने प्रताप के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा। क्यों नहीं कर सकती परिधि, आखिर मुझ में कमी क्या है, और मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो, फिर क्यों मना कर रही हो, प्रताप ने आवेश में आकर कहा। और प्रताप को ऐसे जिद पकड़ते देखकर परिधि को भी थोड़ा सा गुस्सा आ गया। तुम कुछ नहीं जानते प्रणव, कुछ नहीं जानते, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, बस इतना समझ लो, नहीं कर सकती मतलब नहीं कर सकती, और ये बच्चों जैसी जिद करना बंद कर दो। इतना कहने के बाद परिधि उठकर खड़ी हो गई। परिधि मेरी बात तो सुनो, इससे पहले प्रताप कुछ और कहता वो बिना कुछ सुने वहां से चली गई, यहां तक कि उसने पीछे मुड़कर देखना भी ठीक नहीं समझा। परिधि को ऐसे बिहेव करता देखकर प्रताप का दिल टूट गया। उसे जितनी तकलीफ आज हो रही थी उतनी तकलीफ उसे उस दिन भी नहीं हुई थी जिस दिन परिधि ने उससे ब्रेकअप किया था। वो परिधि को अपने सामने से जाता हुआ देखता रह गया। मुझे माफ करना प्रणव, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी लाइफ खतरे में नहीं डाल सकती, वहां से जा रही परिधि ने अपने आंसू पोंछते हुए अपने आप से कहा। प्रताप की निगाहों में परिधि के वापस आने की आशा तब तक बनी रही जब तक परिधि उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई, और फिर उसने अपना सर नीचे कर लिया और उसकी आंखें भर आईं। उसने परिधि को वापस पाने के लिए क्या नहीं किया था, लेकिन उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया था। प्रताप की हालत देखकर मेनन, रवि और विकी तीनों उसके पास पहुंच गए। क्या हुआ सर, क्या कहा परिधि ने, मेनन ने सवाल किया। बहुत हुआ मेनन, अब मुझे अपना असली रंग दिखाना होगा। परिधि ने अभी तक प्रणव का प्यार देखा है, अब वो प्रताप का प्यार और जुनून देखेगी। इतना कहने के बाद प्रताप की आंखें गुस्से से लाल होती चली गईं। उसकी आंखों में प्यार की जगह एक चिंगारी दिखाई दे रही थी। क्या प्रताप आएगा अपने असली रूप में परिधि के सामने, या फिर वो परिधि के साथ करेगा कोई जबरदस्ती, और क्या सिकंदर और विश्वजीत सफल हो पाएंगे अपने मकसद में, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए माय स्वीट गैंगस्टर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।